हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तादाद में नौजवान खड़े हैं, जगह है, आप लोग बैठ जाइए। अच्छा, अब ज्यादा टच नहीं करेंगे हम आपको। कुछ लोग घर से ये तहैया करके आते हैं कि हमको कुछ बोलना है ना बैठना है, है ना। अनाउंसर साहब चाहे जितना हो हंगामा कर ले, हम जो करेंगे वही करेंगे। जैसे अभी एक मामला नहीं है कि चाहे प्रशासन की जानिब से जितना हेलमेट के लिए दबाव दिया जाए, कुछ लोग बगैर हेलमेट पहने चल रहे हैं, कुछ लोग क्या 70% चल रहे हैं। हाँ, भले पकड़े जाएंगे तो 500 रुपया अदा कर देंगे, लेकिन 150 रुपया का हेलमेट वो नहीं ले सकते। अच्छा, कुछ लोग ये भी हैं कि 50 रुपया वाला हेलमेट तलाश रहे हैं, कहाँ मिलेगा भाई, ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा, कुछ लोग तो इसलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, अगर हम जोर से सुभान अल्लाह कह देंगे तो मोदी जी पहचान जाएंगे कि पक्का मुसलमान है, है ना। अगर आपके हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहने से अगर पक्का और सच्चा मुसलमान होने का सबूत मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है भाई, इससे बड़ी बात हो सकती है। जबकि इस वक्त हिंदुस्तान का मामला ये है, अथर भाई आप बुरा मत मानिएगा, ये आप पे चस्पा नहीं हो रहा है, दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, जमीर बेचकर खैरों में बैठ जाते हैं, दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, जमीर बेचकर खैरों में बैठ जाते हैं, जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। अब एक शेर सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हमने एक काफिये का इस्तेमाल किया है, जबकि रुबाई में कतात में इस तरह के काफिये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। मतलब मंजर साहब खुद समझ रहे हैं कि ये जमीन कौन सी है, आप समझ रहे हैं ना। और दिगर हमारे अल्लामा शकील अख्तर मिसबाही साहब बहुत अच्छी शायरी करते हैं, है ना। और मखदूम साबरी साहब किधर गए बैठे हैं, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, आप सब अदब एहतराम के साथ बैठे। मुफ्ती साहब किधर गए बैठे हैं ना भाई, सब आपके हवाले कर रहा हूँ। एक मतलब जरा हाथों को लहरा के पूरा मजमा, दोनों हाथों को लहराइए, झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। बात अगर सच्ची हो तो आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए कि जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, देखें जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, छाओ रहमत की उस दम बड़ी हो गई। कड़ी और बड़ी, अब उसके बाद कैसे हमने इस्तेमाल किया है देखें। जुल्म की धूप अल्लामा भैया साहब, जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, छाओ रहमत की उस दम बड़ी हो गई। आए मैदा में जिस दम मुजाहिद हुसैन, तो अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो गई। आए मैदा में जिस दम मुजाहिद हुसैन। अच्छा एक बात बताइए, मजमे से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नारा लगा दे भाई मैं एक कुंटल पसीना बहाता है तो शायर एक शेर लिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हजरात जरा सा माहौल ये कर रहे हैं। कोई एक मर्द मुजाहिद मजमे से खड़ा हो जाए, कोई खड़ा हो जाए, हाँ माशाल्लाह, वाह एक जिंदाबाद, क्या कहने माशाल्लाह। अब देखिए नौजवानों की टीम खड़ी हुई है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जय जिंदाबाद सुभान अल्लाह, क्या कहने माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हमको छोड़ दिए जी, 98 किलो का आदमी खड़ा है और कुछ ख्याल नहीं कर रहे हैं, जब हाल है यार। एक क्विंटल 3 केजी से कुछ घटे हैं आजकल, इतना मोटा ताजा अनाउंसर बुलाता है तसरार वाला लोग, बताइए अगर हम किसी पे गिर जाए तो क्या मामला होगा खुदा ही जानता है। एक आदमी 5 मंजिला इमारत से नीचे गिर गया, जल्दी से लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, है ना। हॉस्पिटल ले जाने के बाद कुछ देर में उसको होश आया, तो उसने कहा कि भाई हम तो 5 मंजिला इमारत से गिरे थे, बच कैसे गए। तो बगल में खड़ा एक आदमी कहा आप तो बच गए, जिस पर गिरे थे वो बेचारा दुनिया से चला गया, है ना। तो कभी कभी इस तरह की बात होती है ना। आपको डरना नहीं है, एक बात मैं आपको बता दूं, अतहर भाई एकदम बंद कर दीजिए मोबाइल, छोड़ दीजिए, आपको डरना नहीं है। क्या करना है, अरे हाथ उठा के बोलिए, क्या करना है,
हाँ, अभी तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ तकरीबन 17-18 गांव के लोग बैठे हुए हैं, है ना। जब हम अकेले नहीं डर सकते हैं तो आपको डरने की क्या बात है। इसलिए कि हम पूरा मुल्क घूमते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हमें डरना नहीं है, आपको भी नहीं डरना है। इसलिए नहीं डरना है कि तूफान से टकराने की हिम्मत है मेरे पास। मैदान में हम बोलते हैं, चोर नहीं है। देखिए एक शेर उलमा इकराम के हवाले, जी नहीं, तूफान से टकराने की हिम्मत है मेरे पास, मैदान में हम बोलते हैं चोर नहीं है। अरे डॉलर तुम्हारे पास है, लंगर हमारे पास, ये सुन्नी नौजवान भी कमजोर नहीं है। दौलत तुम्हारे पास है, दौलत तुम्हारे पास है, लंगर हमारे पास, ये सुन्नी नौजवान भी कमजोर नहीं है। ये सुन्नी नौजवान भी कमजोर नहीं है, ये सुन्नी नौजवान भी कमजोर नहीं है। माशाल्लाह बड़े सलीके से आपने सुना। अब अभी तक तो मैं 2 मिनट के लिए आपका टाइम ले रहा हूँ मुबारकबादी देने के लिए। हमारे अतहर साहब आ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, बगैर माला पहनाए थोड़ी ना उठाएंगे। जी जी, माला पहना रहे हैं इसलिए ना कि हादसा बन के वो बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। सारे नेताओं का सम्मान करो दिल से तबीब, न जाने कौन किस सरकार में आ जाएगा। कभी गलती से जीत गए तो मामला खराब हो जाएगा, है ना। जी जी।